गाइज, वेलकम टू माई चैनल। गाइज, आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइज, आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारी सी स्लीव कट डिजाइन देखेंगे। यहाँ पे हमने जो स्लीव की साइज रखी है 10.5 इंच रखी है लेंथ। ये हमारी स्लीव 9.5 इंच की रेडी होगी। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग स्लीव की कटिंग कीजिए, जो भी आपकी साइज है। तो हमने यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों कटिंग इस प्रकार से कर ली है। अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हमने स्लीव को सीधा रखा, ऊपर से इस प्रकार से आगे वाले जो मुद्दा की साइड की सिलाई होती है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसको अस्तर को अंदर के साइड फोल्ड करके ये हमारा जो फैब्रिक है मेन वाला सीधी साइड ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे आप नाखून से प्रेस कर लीजिए और अंदर की साइड इस प्रकार से फोल्ड करके ऊपर से स्टिच लगा लीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इस प्रकार के यूजफुल वीडियो डेली देखने के लिए। और यहाँ पे हमने ऊपर से बैठने वाली स्टिच लगा लेंगे और इसके चारों साइड से हम मतलब मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करने के लिए स्टिच लगा लेंगे। स्टोन को देखते हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा ये हमारा आगे बॉर्डर में स्टोन आ रहा है तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि सुई डैमेज होने का डर होता है। इस प्रकार से हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम डिजाइन का पैटर्न कट करेंगे। तो डिजाइन के पैटर्न की कटिंग हम बुकरम पे करेंगे। गाइज, आप सभी व्यूअर से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स जरूर दिया करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस प्रकार से कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई। इसको हम साइड में रखते हैं। बुकरम हमारी जो लेंथ में है ये 6 इंच का है और चौड़ाई 4 इंच की इसकी हमने लिया है। इस प्रकार से फोल्ड किया खड़े में, फिर हम इसको बेड़े में इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम यहाँ से मार्क लगाएंगे डिजाइन का। तो हमने इस प्रकार से खड़ी साइड में मार्क लगाया 2 इंच का, और मतलब आप इससे बढ़ा भी सकते हो। अगर ज़्यादा बड़ी डिजाइन चाहते हो तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो 1/2 इंच के करीब। और चौड़ाई के साइड में हमने इसका रखा है 1.25 इंच। तो इस प्रकार से हमने पैटर्न रेडी किया है। आप मेरे डिजाइन का पैटर्न देख सकते हो। आप इससे बड़ा या छोटा चाहते हो तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी साइज घटा बढ़ा सकते हो। हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद हम साइड से भी कट कर लेंगे और कुछ इस पैटर्न में हमारा ये शेप आ जाएगा। अब हम अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर इस प्रकार से अटैच करके चारों साइड से कटिंग करके स्टिच लगा लेंगे। गाइज, आपको मेरी वीडियो में कहीं पर भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ और उनके रिप्लाई भी देती हूँ। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से होती है कि वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स जरूर दिया करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से स्टिच कर लेंगे। बाहर के साइड से भी हमने इस प्रकार से स्टिच किया और अंदर के, यदि आपका मतलब बकरम पेस्ट वाला है तो आप हिट करके उसको चिपका सकते हो, लेकिन मेरा यहाँ पे नॉर्मल बकरम है। मैं अंदर के साइड से भी एक स्टिच यहाँ पे डाल ले रही हूँ और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव कर लेंगे। तो स्लीव का हमने सेंटर पे एक कट लगाना है। स्लीव को बराबर करते हुए सेंटर में एक कट लगा के लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे सेंटर की लाइन आ जाएगी। देन पैटर्न को हम सेंटर पे अटैच करेंगे। ऊपर के साइड से हम 2 इंच का मार्जिन इस प्रकार से छोड़ेंगे और नीचे की साइड, आपकी लेंथ स्लीव की कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से हमने इसको टक कर लिया है ऑलपिन से। अब हम अंदर के साइड से बराबर में फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बराबर में स्टिच लगा लेंगे। कोने पे आपको शेप अच्छा रखना है नुकीला सा। देन हम इसकी कटिंग कर लेंगे सेंटर से इस प्रकार से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कोने पे हम कट अच्छी तरह से स्टिच के पास तक लगाएंगे
और क्वार्टर इंच के करीब फैब्रिक रखते हुए हम चारों साइड से इस प्रकार से कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट डाल देंगे और इसको अंदर की साइड पलट लेंगे। अब हम इसके ऊपर से इस प्रकार से नाखून से प्रेस करते हुए, या फिर आप प्रेस भी लगा सकते हो, ऊपर से हम एक स्टिच लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी डाल सकते हैं, मैं सिंपल छोड़ूंगी। अब हमको बो बनाना है सेंटर के लिए, तो बो हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए मैंने देखिए दो फैब्रिक लिया, एक मेन फैब्रिक एक अस्तर। इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई 6 इंच की है, चौड़ाई 4 इंच की है। इस प्रकार से हमने इसको अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद चारों साइड से हमने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद जो लंबाई वाला पोर्शन है उसमें हम दोनों साइड किनारे को अंदर स्टिच कर लेंगे फोल्ड करके। देखिए इधर से हमने एक फोल्ड लगा लिया, दूसरी साइड से भी लंबाई वाली जो साइज है। अब हम इसकी कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह निकला है उसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे चौड़ाई वाली साइड से। अब हम लंबाई के साइड से इस प्रकार से इसको प्लेटें डालेंगे और दोनों किनारा हमारा अंदर की साइड नीचे फोल्ड होना चाहिए। इस प्रकार से सेंटर में हम पकड़ के एक स्टिच लगा देंगे। आप इसको धागे से भी बांध सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसी प्रकार से एक स्टिच लगा दे रही हूँ। अब हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से एक मोती टक करेंगे, सेम कलर का धागा लेंगे कई लेयर में, और यहाँ पे आप बटन बड़ी साइज का लगा दें तो और अच्छा सा लुक आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे मोती ही अटैच कर रही हूँ। अब हम स्लीव लेंगे, तो स्लीव के सेंटर में, होल के बिल्कुल सेंटर में इसको अटैच करना है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे अभी हम सेंटर की साइज़ देख लेंगे। हमने जो होल का साइज रखा था, मतलब कि 3 इंच के करीब में रखा था, तो हम उसी के साइज, जितना आप साइज रखे हैं, जैसे हमने 1.25 इंच रखा था, तो 1.25 इंच एक साइड से, 1.25 इंच एक साइड से, दोनों साइड से इस प्रकार से लेते हुए हम स्टिच लगा लेंगे। दोनों साइड से प्लेटे को इस प्रकार से गिराते हुए एक साइड से, अब हम इसको सेंटर में अटैच करेंगे। इस प्रकार से सेट कर लेंगे। आप चाहे तो ऑल पिन टक कर लीजिए और फिर इसको फैलाते हुए अच्छी तरह से सेट करते हुए स्टिच कंप्लीट कर लेंगे दोनों साइड का। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। प्लेटों को आपको अच्छी तरह से सेट करके स्टिच लगानी होगी तो अच्छा सा लुक उसका आता है। और इस स्लीव में और ज़्यादा, मतलब डिजाइन को एनहांस करने के लिए, आप एक अच्छी सी बटन लगाइए मैचिंग का, तो बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आएगा। और इस प्रकार से ये हमारी दोनों स्लीव कंप्लीट हो गई हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? पहनने के बाद कुछ इस प्रकार से लुक आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।